हेलो स्टूडेंट्स, वी आर कंप्लीटिंग एमसीक्यू बेस्ड ऑन केस सिनेरियो। दिस केस सिनेरियो बेस्ड ऑन एसेट रिकॉग्निशन विद मेजर टॉपिक ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट अंडर इंडियस 36। तो लेट अस से डेट आर गिवन इन दिस सिनेरियो। सो वी आर गिवन ए लिमिटेड परचेज एन एसेट रुपीज 200 लाख ऑन 1 अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। इट हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 4 ईयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट्स आर एज फॉलोज। एज ऑन 31 मार्च एंडिंग 1st फाइनेंशियल ईयर, एंडिंग 2nd फाइनेंशियल ईयर एंड एंडिंग 3rd फाइनेंशियल ईयर। तो रिकवरेबल अमाउंट्स आपको मैंशन किए हैं ₹120 लाख, 80 लाख एंड 56 लाख। एंड डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस अंडर द कॉस्ट मेथड। सो वी हैव टू कैलकुलेट डिफरेंट एम सी क्यू हैं आपके। वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एट एंड ऑफ 1st ईयर, 2nd इम्पेयरमेंट लॉस एट एंड ऑफ 2nd ईयर, 3rd वी हैव टू कैलकुलेट रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एट एंड ऑफ 3rd ईयर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो आपको मैंशन किया है ए लिमिटेड है। सो इट हैज परचेज एन एसेट रुपीज 200 लाख दिस इज 1st अप्रैल ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर। ऐसे करके आपने परचेज की है तो अमाउंट्स आपको दे रखे हैं रुपीज लैक्स में, 4 रुपीज 200 लैक्स। फिर आपको इनके रिकवरेबल अमाउंट्स हमें मेंशन किए हैं। रिकवरेबल अमाउंट ऑफ ऐसे एट एंड ऑफ 1st फाइनेंशियल ईयर, एट एंड ऑफ 2nd फाइनेंशियल ईयर, 3rd फाइनेंशियल ईयर और जो टोटल लाइफ है वो आपको मेंशन किए हैं जिसे जो 4 ईयर्स है। तो नंबर 1 एम सी क्यू है। तो पहले रिकवरेबल अमाउंट्स देखते हैं। ये आपको दिए हैं 120, 80, जैसे 120, 80 एंड 56 लैक्स। कॉस्ट आपकी है 200, लाइफ है अब आपकी 4 ईयर्स है। सो फर्स्ट एम सी क्यू, सो देयर आस्किंग हाउ मच इज इम्पेयरमेंट लॉस ऑन एसेट इफ इट इज एप्लीकेबल एट एंड ऑफ 1st फाइनेंशियल ईयर। इसके लिए देखो पहले कैलकुलेट करके हैं बटे जो कॉस्ट ऑफ एसेट जो आपने एक्वायर की है इन द बिगनिंग ऑफ 1st ईयर दिस इज 200 लेस उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी आपकी। तो लाइफ है आपकी 4 ईयर स्ट्रेट लाइन के बेस पे दिस इज 50, बैलेंस इज WDV एट एंड ऑफ 1st फाइनेंशियल ईयर 150। देन वी हैव रिकवरेबल अमाउंट। Now we have recoverable amount at the end of 1st year is 120. So when recoverable amount is less, this is called impairment loss. So 1st year में आपको impairment loss charge करना है P&L में। Impairment loss इसे के debited to P&L. So this is रुपी के 30 lakhs. So amounts आपके हैं lakhs में रुपी 30 lakhs. So this is our answer. So now you can see which option is correct. Answer is option C is correct. So next we have second MCQ. They are asking calculate amount of impairment loss if any at the end of 2nd financial year. तो अब देखते हैं 2nd financial year में। तो 2nd year में पहले देखते हैं कि कैरिंग अमाउंट आपका कितना है एसेट का इन द बिगनिंग। तो बताइए कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इन बिगनिंग दिस इज इक्वल टू आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। अब इसकी वैल्यू रह गई है ₹120 लाख। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगी आपकी करंट ईयर की, क्योंकि डेप्रिसिएशन फॉर 2nd ईयर। अब आपकी जो टोटल लाइफ की 4 ईयर उसमें से 1 ईयर आपका एक्सपायर हो गया, रिमेनिंग लाइफ है 3 ईयर से। तो 120 को फिर आपने डिवाइड करना है रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर से, डेप्रिसिएशन इज 40। तो बैलेंस आ गया आपकी WDV एट एंड ऑफ ईयर दिस इज 80। नाउ यू सी वकी रिकवरेबल अमाउंट एट एंड ऑफ 2nd ईयर, ये आपको मेंशन किया है दिस इज आल्सो 80। तो इट मीन्स 2nd ईयर में आपका जो इम्पेयरमेंट लॉस है गेटिंग नील। सो इम्पेयरमेंट लॉस इज नील इन 2nd ईयर। यू कैन सी विच ऑप्शन करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट के थर्ड एम सी क्यू, वी हैव टू कैलकुलेट अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी एट एंड ऑफ 3rd फाइनेंशियल ईयर। तो आप देखते हैं आपका 3rd फाइनेंशियल ईयर है तो आपने लिखना है रिवर्सल कितना हो रहा है। तो फर्स्ट लगे से वर्किंग जो है कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट इन द बिगनिंग ऑफ दिस 3rd ईयर। अब जो आपका अमाउंट रह गया है वो रह गया है आपका 80 जो रिकवरेबल अमाउंट था 2nd ईयर का।
डब्ल्यू डी बी भी आपकी एक ही थी। अब इसके ऊपर आपकी चार हो जाएगी डेप्रेशन फॉर थर्ड ईयर, वो आप सब्सट्रैक्ट कीजिए डेप्रेशन फॉर थर्ड फाइनेंशियल ईयर, तो 80 एंड बाकी रिमेनिंग लाइफ ना हो। अब आपकी लाइफ रह गई है थर्ड ईयर में, थर्ड एंड फोर मीन्स टू ईयर्स रिमेनिंग, तो डेप्रेशन आपकी बन जाएगी 40। तो बैलेंस आ गई है आपकी डब्ल्यू डी बी एट एंड, किसी की 40। बट अब आपको मेंशन किया है कि आपका जो रिकवरेबल अमाउंट है एट एंड ऑफ थर्ड ईयर, रिकवरेबल अमाउंट किसी इक्वल टू अवर 56 है, तो इट मीन्स ये आपका गेन हो रहा है इसमें 16। तो उस गेन में से कुछ आपने अमाउंट जो था, जो पहले लॉस हमने चार्ज किया था, उसको रिवर्स करना है। तो लेट अस सी हाउ मच इज रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, तो ये जो गेन हो रहा है उसमें से कितना आपने रिवर्स करना है, वो आपका माना जाएगा रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। उसके लिए हम चेक करते हैं यदि आपका इम्पेयरमेंट ना हुआ होगा तो उसकी ओरिजिनल डब्ल्यू डी बी कितनी होनी चाहिएगी। तो वी हैव टू कैलकुलेट ओरिजिनल डब्ल्यू डी बी आफ्टर 3 ईयर्स इफ नो इम्पेयरमेंट डन, यदि आपकी कोई इम्पेयरमेंट ना हुई होगी तो फिर ओरिजिनल जो कॉस्ट थी आपकी 200, उस 200 में से आप माइनस कर लीजिए डेप्रेशन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर 3 सालों की, तो इसकी लाइफ थी 4 ईयर, तो 4 से डिवाइड किया तो डेप्रेशन 1 साल की बन गई 50, इनकू कर दो 3, तो ओरिजिनल डब्ल्यू डी बी आपकी होनी चाहिएगी आज की डेट में जिस एज 50। इट मीन्स 40 को आप इंक्रीज कर सकते हो अप टू 50 तक, तो ये आपका रिवर्सल हो जाएगा और जो डिफरेंस है रिमेनिंग वो आपका इग्नोर हो जाएगा। इट मीन्स वैसे हमें गेन हो रहा है 16 का, बट उसमें से ओनली अप टू 50 जो उसकी ओरिजिनल डब्ल्यू डी बी होनी चाहिए थी उतना अमाउंट आप रिवर्स कर सकते हो। सो देयर फॉर रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इज इक्वल टू 50 - 40 = 10, तो ₹10 lakhs का हमारा रिवर्सल माना जाएगा। तो वी कैन से रिवर्सल इम्पेयरमेंट लॉस दिस इज इक्वल टू ₹10 lakhs। तो जब रिवर्स होगा, जब लॉस हमने डेबिट किया था पी एंगल में, अब ये क्रेडिट हो जाएगा पी एंगल में। यू कैन सी विच ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द केस सिनेरियो बेस्ड ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट अंडर इंड एस 36। करके कोशिश कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।